यार जरा आप खुद सोचो, एक ऐसा बैंक जहाँ पे आप कुछ भी करो, कितना भी पैसा डालो, बैंक आपकी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन कभी किसी से भी शेयर नहीं करेगा। एक ऐसी कंट्री जिसने 1934 में ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ जारी किया अपने आर्टिकल 47 में कि कोई सा भी बैंक अगर अपने किसी भी कस्टमर की डिटेल्स किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या फिर किसी भी टैक्स एजेंसी को शेयर करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंड होगा, जिसमें उस इंसान को 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। दुनिया के सारे ही पावरफुल एंड रिच पीपल के लिए बैंक एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना हुआ है। अगर आपको किसी को मनी ट्रांसफर करनी है तो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, ब्रांच नेम, इन सब की तो जरूरत है ही नहीं, सिर्फ एक कोड ही काफी है सब कुछ करने के लिए। एक ऐसा बैंक अकाउंट जहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर नेम ही नहीं है, एक ऐसा बैंक जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आपकी आइडेंटिटी देख ही नहीं सकता, अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है तो बैंक आपका नाम आने तक नहीं देता। हम सब बैंक में पैसा रखते हैं ताकि हमको उस बैंक से इंटरेस्ट मिले, बट इस बैंक में तो आपको उल्टा इंटरेस्ट पे करना होता है -0.75% का। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं बात कर रहा था स्विस बैंक की।